हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय रेडिएंट एकेडमिक क्लासेस। आई एम बी एल गुप्ता। सभी क्लास इंटरमीडिएट के स्टूडेंटों का और साथ साथ में इलेवेंथ के लिए भी ये कॉमन चैप्टर है। आज से पहले हमने बच्चों सभी को सिंटैक्स का पार्ट वन, सिंटैक्स ऑफ नाउंस के रूल्स लिखाए थे, और आज हम आपको इसी के टॉपिक का पार्ट टू बता रहे हैं, और इसके जो दो तीन नियम बचे थे वो, और इसकी एक्सरसाइज हमने आपके सामने 10 सेंटेंस लिखे हैं, इनके आंसर भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सिंटैक्स पार्ट टू। जब दो नाउन्स आपस में निकट संबंधी हों तो अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग केवल अंतिम नाउन के साथ करते हैं। जैसे ये दो नाउन हैं, रवि और मोहन बुक्स, और तो रवि की किताबें और मोहन की किताबें, ये दोनों की किताबें एक ही हैं, एक ही व्यक्ति, ये बुक्स जो हैं वो दोनों की अधिकार है, इन किताबों पर दोनों व्यक्तियों का अधिकार है, यानी रवि की भी किताबें हैं और मोहन की भी किताबें। जब किसी वस्तु पर दो व्यक्तियों का अधिकार हो तो फिर अपोस्ट्रोफी का प्रयोग बाद वाले पर करते हैं, ना कि दोनों के ऊपर। तो रवि एंड मोहन्स बुक्स, ये हो गया करेक्ट। इसका मतलब है रवि और मोहन की किताबें, किताबें दोनों की हैं। लेकिन अगर इसका अपोजिट दूसरा कर दें कि अधिकार दोनों का अलग अलग हो जाए, तो फिर जैसे अलग अलग अधिकार प्रकट हो किसी वस्तु पर किसी नाउन का, तो फिर अपोस्ट्रोफी का प्रयोग बच्चों लास्ट वाले पर नहीं करेंगे, फिर दोनों पर अलग अलग करेंगे। जैसे जॉन कीट्स एंड वर्ड्सवर्थ पोइम, कविताएं, यानी जॉन कीट्स की और वर्ड्सवर्थ की कविताएं, इन दोनों पर अलग अलग लगा है, तो इसका मतलब है जॉन कीट्स की कविताएं अलग हैं और वर्ड्सवर्थ की कविताएं अलग अलग हैं। ये एक ही व्यक्ति की कविताएं नहीं है, एक ही किताबों पर दोनों का कंबाइंड अधिकार नहीं है, अलग अलग है। अब आते हैं पजेसिव केस का यूज लिविंग बींग्स के साथ करते हैं बच्चों, जीवित वस्तुओं के साथ करते हैं, जीवित व्यक्तियों के। जैसे द टेबल्स लेग इज ब्रोकन, जो टेबल की टांग है, लेग है, वो टूट गई है। तो देखिए टेबल क्या है, ये तो निर्जीव है, लेकिन अपोस्ट्रोफी कहाँ लगाते हैं, हम सजीव के ऊपर लगाते हैं। तो ये हम कैसे हटाएंगे, ऑफ से, इसको बोलेंगे कैसे, द लेग ऑफ टेबल, उल्टी तरफ से चल देंगे, ऑफ से हटा देते हैं। जब निर्जीव पर अपोस्ट्रोफी लगा हो स्टूडेंट, तो हमेशा ऑफ से हटा देना चाहिए। इसका प्रयोग तो हम सजीव पर करते हैं, जैसे सपोज करिए हम कहते थे राम्स बुक, राम की किताबें, तो सही है, राम कॉमा अपोस्ट्रोफी एस और बुक, राम की किताबें, तो सही है, बुक ऑफ राम नहीं बोलेंगे, क्योंकि राम लिविंग बींग्स हैं। अब आते हैं इसकी एक्सरसाइज, देखिए, माई हेयर हैव बिकम वाइट हेयर्स। देखिए हेयर्स कुछ नहीं होता है, हेयर एक वचन में यूज होता है, और जब हेयर सिंगुलर में यूज होता है बच्चों, तो फिर क्रिया भी सिंगुलर में ही लगाएंगे। तो हेयर्स नहीं होता, हेयर सिंगुलर, और हैव प्लूरल है, ये सिंगुलर के हिसाब से हैज आ जाएगा, माई हेयर हैज बिकम वाइट। अब आते हैं दूसरा, आई हैव ए 5 रुपीज नोट इन माई पॉकेट, मेरी पॉकेट में 5 रुपए का एक नोट है, तो रुपए का एक नोट है, तो रुपीज नहीं लगाएंगे, ए रुपी नोट बोलेंगे, ए 5 रुपी नोट, 5 रुपए का एक नोट। और जब एक नोट की बात होती है तो बच्चों रुपीज नहीं रुपी लगाते, 100 रुपी नोट, 50 रुपी नोट, 20 रुपी नोट। अब आते हैं, मैनी ए सोल्जर्स हैव बीन किल्ड, बहुत से सैनिक मारे गए, अर्थात जब मैनी हैं, बहुत से हैं, तो ए कैसे हो सकता है, तो मैनी सोल्जर्स, ये दो तरह से बनता है बच्चों, मैनी सोल्जर्स हैव बीन किल्ड, बहुत से सैनिक मारे गए। अगर आप ऐसे ना बनाएं और ऐसे ही बनाना चाहें, तो मैनी ए सोल्जर्स, फिर इसको हैज करना पड़ेगा, यहाँ पर ए के हिसाब से हैज करना पड़ेगा, इसलिए ज़्यादा बेटर है ए को हटा दीजिए, ज़्यादा ही जी। अब आते हैं, दे लॉस्ट द मैच बाई एन इनिंग्स, वे एक पारी से मैच हार गए। देखिए क्रिकेट मैच में दो पारियाँ होती हैं, टेस्ट मैच में, तो उनमें से एक पारी से हार गए, तो इनिंग नहीं होता है बच्चों, इनिंग्स होता है, एन इनिंग्स। अब आते हैं, प्लीज पे माई रिगार्ड टू योर पेरेंट्स, कृपया अपने माता पिता को मेरी नमस्ते कहिए। तो देखिए नमस्ते की अंग्रेजी क्या है, रिगार्ड, माने तो आदर करना है, और रिगार्ड से बनता है रिगार्ड्स, और रिगार्ड्स का मतलब होता है बच्चों नमस्ते, तो कृपया अपने माता पिता को मेरी नमस्ते बोलिए, तो रिगार्ड नहीं, क्या, रिगार्ड्स, नमस्ते की अंग्रेजी ध्यान रखें रिगार्ड्स होती है।
मोहन्स ब्रदर साइकिल इज न्यू। देखिए कल हमने एक रूल बताया था, डबल पजेसिव का प्रयोग नहीं करते, दो बार अपोस्ट्रॉफी हम नहीं लगाते बच्चों, अगर दो बार आ जाए तो बाद वाली को हटा देते हैं ऑफ से। मोहन के भाई की साइकिल नहीं है तो हम कैसे बोलेंगे, द साइकिल ऑफ मोहन्स ब्रदर इज न्यू। मोहन के भाई की साइकिल नहीं है, अर्थात जब डबल अपोस्ट्रॉफी आ रहा हो तो बाद वाली अपोस्ट्रॉफी को कैसे हटाते हैं, ऑफ के प्रयोग से हटा देते हैं, सब ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आते हैं साइकिल को। अगला देखिए, ही हैज़ बॉट कॉस्टली फर्नीचर्स, उसने कीमती फर्नीचर्स खरीदा। तो देखिए बच्चों, फर्नीचर्स कुछ नहीं होता, ये फर्नीचर्स तो कोई वर्ड ही नहीं है, फर्नीचर होता है केवल। अब इस फर्नीचर में कुर्सी, मेज, टेबल, बेड सब कुछ आ जाता है, ड्रेसिंग टेबल सब कुछ इसी में आता है, इसीलिए फर्नीचर में ही सब चीज़ें आ जाती हैं, फर्नीचर्स कोई वर्ड नहीं होता है। अब आते हैं, लाइट्स ट्रेवल फास्टर देन साउंड, बिजली ध्वनि से तेज चलती है, अर्थात प्रकाश ध्वनि से तेज चलता है। ये तो विज्ञान में भी है, साइंस में, प्रकाश ध्वनि से तेज कैसे चलता है सिद्ध भी कर सकते हैं। जब बारिश के दिनों में बिजली कड़कती है तो देखिए बिजली की आवाज़ तो बाद में सुनाई देती है हमको कड़क की, लेकिन उसका प्रकाश पहले हमारे तक आ जाता है। इससे ये सिद्ध होता है कि लाइट जो है वो साउंड से तेज चलती है, लाइट की गति साउंड से तेज है, ये इस बात से सिद्ध हो गया। तो लाइट्स नहीं होता है लाइट होता है, साउंड्स नहीं होता है साउंड होता है। अब आते हैं, द न्यूज़ आर करेक्ट, समाचार सही है। तो देखिए कल हमने बताया था न्यूज़ एक वचन में प्रयोग होता है, न्यूज़ समाचार है और समाचार एक वचन में होता है, तो यहाँ इज लगाएंगे, न्यूज़ इज करेक्ट। देखने में बहुवचन है प्लूरल, लेकिन ये सिंगुलर नंबर में आता है। द अरेबियन नाइट्स आर वेरी पॉपुलर, अरेबियन नाइट्स बहुत ही पॉपुलर हैं, प्रसिद्ध हैं, लोकप्रिय हैं। अरेबियन नाइट्स कौन सी है, अरब की क्या जो अलिफ लैला वगैरह जो आपने टेलीविज़न में देखे होंगे, ये पुरानी कहानियों का संग्रह है अरेबियन नाइट्स। और जब कोई ऐतिहासिक पुस्तक या किसी देश का नाम बहुवचन की तरह से दिखाई दे रहा हो तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, द अरेबियन नाइट्स इज वेरी पॉपुलर। तो ये एक किताब का नाम है, इसीलिए इसको एक वचन में इस्तेमाल करेंगे। तो माई लेक्चर इज ओवर, आज का मेरा वीडियो यहीं फिनिश होता है, अगले वीडियो में बहुत अच्छे वीडियो के साथ आएंगे हम आपके सामने। टिल देन गुड बाय टू ऑल द स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।